राष्ट्रीय उद्यमिता विकास केंद्र के द्वारा संकल्प कार्यक्रम के तहत कस्तूरबा गांधी छात्रावास जेपीबी स्कूल की 25 बालिकाओं का इस योजना के तहत चयन किया गया। देखिए, राष्ट्रीय उद्यमिता विकास केंद्र दिल्ली की ओर से संस्था की ओर से संकल्प कार्यक्रम के अंतर्गत ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जहां शासकीय कस्तूरबा गांधी छात्रावास की 25 बालिकाओं का चयन किया गया है। इस योजना में छात्राओं को मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स सिखाया जा रहा है, जो एक महीने तक चलेगा। बालिकाएं गरीब परिवारों से हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से आती हैं, हो सकता है इसके बाद ये पढ़ाई ना कर सकें या हो सकता है इसके बाद उनकी शादी हो जाए, तो एक हुनर इनके हाथ में आ रहा है। क्योंकि आपको तो मालूम है कि आजकल मोबाइल गाँव-गाँव में पहुँच गया है, हर हाथ में मोबाइल है, तो अपने गाँव में भी जा करके ये आत्मनिर्भर बन सकेगी। इस योजना के तहत छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह पहल की जा रही है। देखा जाता है कि इस क्षेत्र में अधिकतर लड़के ही रहते हैं, लेकिन संस्था द्वारा 25 छात्राओं का चयन इसमें किया गया है। यह एक सराहनीय कार्य है। इस कोर्स के माध्यम से छात्राएं मोबाइल रिपेयरिंग का प्रशिक्षण लेकर स्वयं का रोजगार स्थापित कर सकती है। हम लोगों ने छात्राओं की आत्मनिर्भर बनने के लिए यह एक बहुत ही अच्छा प्रयास है। छात्रावास में अधिकतर छात्राएं कमजोर वर्ग की रहती हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं। उन छात्राओं के लिए यह कोर्स बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है। यह कोर्स इन छात्राओं के लिए एक नए मार्ग की ओर ले जाएगा। आज क्या सीखा? आज हम लोग चेक करना सीखा, उसमें कोई खराब हो जाता है तो चेक करते हैं और सुधारने के बारे में भी। इस संदर्भ में छात्रावास अधीक्षक लक्ष्मी पाराशर से हमने बात की तो उन्होंने हमें इस विषय में संपूर्ण जानकारी दी। स्वागत जिंदगी के लिए दमोह से धीरज कुमार की रिपोर्ट।